हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो गाइस, आज है हमारा नैनीताल का दूसरा डे और आज हम क्या करने वाले हैं? आज देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ का कुछ आइडिया ही नहीं है भाई करना क्या, लेकिन बहुत कुछ हो जा रहा है। तो गाइस, मॉर्निंग की अभी 11 बज रहे हैं और अभी हम लेट से उठे थे आराम से और नाश्ता पानी हमने कर लिया है और विशाल भाई, हिमानी और साथ में वेदू और नोनू साड़ी खेल रही है। और अभी हम क्या करने वाले, कहीं जा रहे हैं? देखते हैं, अभी मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है भाई, बरसात वाला मौसम हो रहा है। और फिलहाल मैंने सोचा क्यों ना मैं एक काम करूं कि जब मैं घर से इतनी मेहनत से ड्रोन लेके ही आया था तो एक बार आपको ना यहाँ के नज़ारे दिखाता हूँ, बहुत प्यारा नज़ारा है। तो चलो यार, मैं यहाँ पर ड्रोन उड़ा के आपको दिखाता हूँ। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। तो दोस्तों, होटल से निकलने के बाद जो है हम आ चुके हैं भाई आधा रास्ते में और अभी हम जा रहे हैं नैनीताल के साइड। मौसम एकदम हो रखा मस्त सुहाना भाई साहब। गाइस बताओ मैं आपको, देखो आप मौसम देखो भाई, धुंधी धुंधे और पूरा फॉगी फॉग है, बादल ही बादल है। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना भाई, जब हम पहाड़ों में हैं तो क्यों ना बोतल भर ली जाए नेचुरल पानी से, पानी का मजा ही अलग है। हाँ, डाइजेस्ट हो जाता है खाना। हाँ, एकदम मीठा पानी है। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर पहाड़ों में आके और पहाड़ी होके अगर हमने भाई बिस्लरी का पानी खरीदना है तो बेकार है बिल्कुल, इसलिए हम दो दो लीटर के कैन लेके आए दो भाई। तो अभी पीछे वहाँ पे धारा एक छोटा सा, वहाँ से हम भर लेते फटाफट से। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ में रहनी चाहिए, बट गाइस आजकल पलायन बहुत हो रहा है। अब देखो भाई, ये है पानी का धारा जो कि बिल्कुल पहाड़ों से निकल रहा है और भाई भर लेते फटाफट से। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम वापस नैनीताल और अभी हमने कार पार्क कर ली अपनी पीछे और इस साइड आप देख पाएंगे पीछे बहुत बड़ी यहाँ पर मस्जिद है और इस साइड भी एक जो है गुरुद्वारा है। और अभी मोनी और हिमानी और विशाल भाई आगे निकल चुके हैं और चलो भाई अभी देखते हैं क्या क्या हम यहाँ पर एक्टिविटी कर पाते हैं। तो गाइस अभी ग्राउंड के बगल में हम आ चुके हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी अलग अलग दुकानें हैं, शॉप हैं और बहुत सारे कपड़ों की दुकान भी है। तो देखते हैं अभी कुछ, मोनी नोनू के लिए एक स्लीपर लेनी बढ़िया सी है ना, और इसके लिए वेतु के लिए कुछ लेना है? ले लेंगे, फिर जो अच्छा लगेगा वो ले लेंगे, खर्चा करवाएंगे खर्चा करवाएंगे। और साल भाई भाई कपड़े को क्या है जो मांगेंगे? हाँ मैं भी वही, देखो मोनी क्या कह रही है, इसे पता है कि मैं चाइनीज की शॉपिंग, तुरंत इसने मोमोज देखे तुरंत गई, तो मोमोज खाते हैं गाइस। सच बताऊं ये लोग ना कचरा बहुत खाते हैं और कचरा मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, यानी कि मोमो चाउमीन मुझे नहीं पसंद। और अभी नोनू देख रही गुब्बारा, नोनू का गुब्बारा है ना 10 रुपए का है ना, लेना ले लो एक ले लो, ये ग्रीन वाला दे दो, हाँ ये दे दो, लो बिट्टू। वाह वाह। तो अभी हमने सोचा कि सबसे पहले हम दर्शन करेंगे, तो अभी श्री माँ नैना देवी का मंदिर है यहाँ पे बहुत प्यारा सा, तो अभी हम सबसे पहले दर्शन करेंगे। तो गाइस ये है नैना माता जी का मंदिर और अभी जो है वीडियोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है तो अंदर में वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो अभी हम दर्शन करके आते हैं अंदर से। तो गाइस मंदिर के दर्शन करके हम आ चुके हैं और अभी हम आए हैं भाई बोटिंग करने, है ना मोनी? ये दूसरी वाली बोटिंग है, कल हमने दूसरी बोट पे से ट्रैवल किया था पानी में और आज हम जाएंगे निकल गए गाइस हिमानी और जो है दूसरी बोट से चले गए हैं और अभी हम चलते हैं। तो मोनी आराम चलना, आराम से आराम से आराम से आराम से, चलो चलो चलो, डर क्यों रही हो, चलो बहुत डरती हूँ मोनी तुम। ओहो ये बात, वरना पलट जाएगी, बीच बीच चलना, बैठ जाओ। अरे भाई साहब मुझे लगा गीला हो रहा है, गीला नहीं है ना, ना। और गाइस ये भाई हमारा गार्ड जो कि हमें पूरा ट्रैवल कराएगा भाई, ठीक है ठीक है ठीक है भाई। भाई आप क्या बोलते हैं, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं? सर हो गया 2-3 साल। अच्छा तो भाई ने कर दी भाई गाड़ी अपनी शुरू,
हाँ हाँ कोई बात नहीं, ये बात इसको क्या बोलते हैं, चाबुक, इसको क्या बोलते हैं, चक्कू, चप्पू, चप्पू। और भाई साहब इतना मजा आ रहा है, कल वाली बोट में ज्यादा मजा नहीं आया ना? नहीं, यहाँ का थोड़ा अलग लग रहा है। और भाई ये वाली बोट ज्यादा बढ़िया है, जल्दबाजी भैया ऐसा है ना, हमारा क्या करें, हमारा काम नहीं है। अरे साथी हमारा ये तो पागल है। अच्छा अच्छा भाई, अच्छा ये पागल है। तो गाइस आनंद आ रहा है, आनंद। तो गाइस यहाँ पर बेसिकली दो चक्कर लगते हैं, यानी कि दो टाइप के प्लान है जो आप खरीदते हैं नैनीताल में आके, नैनी झील में। तो अभी ये जो बोट है ना, इसके दो प्लान है, आधा राउंड 320 रुपए पर पर्सन, और पूरा राउंड पर बोट। अच्छा पर बोट का हिसाब है, जिसमें आप मैक्सिमम तीन जने जा सकते हो, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि भाई हमारे पास चार लोग थे तो हमें दो बोट करनी पड़ी। पर बोट का है आधा चक्कर का 320 रुपए और पूरा चक्कर का 420 रुपए। तो अभी हम सोचेंगे भाई, अभी तो फिलहाल हमने आधा चक्कर का लिया है, अगर बच्चे हमें परेशान नहीं करेंगे तो हम पूरा चक्कर घूमेंगे। भाई मजा आ रहा मोनी, कैसा लग रहा? पहली बोट वो वाली बोटिंग अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन ये वाली अच्छी थी। हाँ, और भाई भी मजे से हमें घुमा रहे हैं, ये देखो भाई साहब को लगे पड़े हैं, वेरी गुड। तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं साइड पे, यानी कि अब हमें उतरना पड़ेगा, हमारा राउंड पूरा हो चुका है। और भाई साहब बड़ा मज़ा तो आ रहा है काफ़ी, और एक साथ इतनी नाव जो है भाई पार्क होती है यहाँ पे, लेकिन बड़ा डरावना है यार, है ना? हेलो बड़ा डरावना है। हेलो हाँ, चलो भाई चलते हैं। तो गाइज बोटिंग करने के बाद हम यहाँ पर आ चुके थे, ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे बस जस्ट बगल में ही, और भाई इतना ज्यादा स्वाद है ना यहाँ का खाना, हर चीज बराबर थी भाई टेस्ट। मैं तो रेकमेंड करूंगी कि अगर आप नैनीताल आ रहे हैं जरूर आना खाने। और गाइज ये स्पेशली जो होटल है ना, ये वाला हार्ट रॉक, तो भाई ये बहुत बढ़िया है। और नोनू को ना अभी ना मक्का खानी है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, गर्म है ना, कोई तुम्हारे लिए नोनू। तो चलो गाइज हमने खा पी लिया यहाँ से, अब निकलते हैं। तो गाइज अभी मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज दिखाता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं ना, ये हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा होती है, बट मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम देखा कि कुमाऊँ साइड में ना, ये जो पेड़ में हमारे चीड़ के पेड़ में ये जो फल होते हैं, इसको हमारे छिंदेड़ा बोलते हैं, यहाँ का तो पता नहीं कुमाऊँ में क्या बोलते हैं। और इन्होंने इसको इतने प्यारे ढंग से, इतना अच्छे ढंग से बना रखा गाइस कि देखो कि बहुत ही प्यारा, ताकि लोग घर में इसको सजा सकें। तो भाई देख के ना मज़ा आ गया सीरियसली। अगर देखो पहाड़ों में अगर रोज़गार करना है तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें बन सकती है, बट लोग सोचते बहुत कम इसके बारे में, और उसके बाद उन्होंने इस पर पॉलिश कर रखी है। और गाइस मैंने ना बहुत बार ट्रैवल करा हिमानी गौरव के साथ में, और हिमानी को एक चीज जरूर लेनी थी हर जगह से, क्या मोनी? सॉल। क्या भाई हिमानी इतनी सॉल करती क्या हो? तो यार मैंने सॉल बोल के ना, तो भाई सॉल एक बार लो, दो बार लो, भाई हर जगह सॉल लेती है। तो यार देखो ये सर्दियों का टाइम है, जब मसूरी गए थे तब भी सर्दी, देखो कपड़े ना हर किसी को फिट नहीं आते, लेकिन सॉल सब ओढ़ लेते हैं, सॉल बैग और बहुत सारी चीजें हैं जो सब यूजेबल होती है। अच्छा चलो भाई, विशाल भाई और मैं भाई लगे पड़े कंधे पे, बच्चा टांगते टांगते घूम रहे हैं, और ये अपना आराम से इंजॉय कर रहे हैं।